सो हे गाइस, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 11bigates. 11bigates एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना स्किल्स यूज करके आप अच्छी खासी रियल इनकम कर सकते हो. जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी रियल इनकम, मैं रियल मनी की बात कर रहा हूँ. साथ में यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी तीनों ही है. आप किसी भी मैच, किसी के भी, जिसमें भी आपका स्किल्स अच्छा है उसमें जाके आप खेल सकते हो. और साथ साथ में कई सारे ऑफर्स भी हैं. साथ में एक नया फीचर्स ऐड हुआ है मेरे दोस्तों. ये फीचर्स जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप्स के लिए है. अगर आप पीसी में खेलते हो तो आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐप ये जो फीचर्स नया आया है वाकई काफ़ी दमदार है. इसमें आपको किसी भी मैच में चले जाना है, यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अ कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि खुद का आप क्रिएट कर सकते हो एक लीग. और लीग क्रिएट करने वाला 50% टोटल प्रॉफिट से जीत सकता है. हाँ दोस्तों, ये भी फीचर्स है इसमें. तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना खुद का एक क्रिएट कर देना है, क्रिएट अ कॉन्टेस्ट में दबाना है और फॉलो करके कर देना है. और ये जो फीचर्स हैं ना, वो इसके कई सारे कंपेटर्स हैं, लेकिन ये फीचर्स सिर्फ और सिर्फ 11bigates के अंदर है. तो यार फ़ायदा उठाओ इस लीग का, इस फीचर्स का फ़ायदा उठाओ और यार पैसे कमाओ. यार जितना भी कर सकते हो उतना कमाओ. नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और एक रियल इनकम करो यार. फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे वे व्हाट्सएप लिंक स्कैम के बारे में. वेट वेट वेट, आप सोच रहे होंगे मेरे अचानक से बाल क्यों हो गए, जबकि पिछले वाले वीडियो में मेरे बाल नहीं थे, मैं टकला था और अभी अचानक से बाल कैसे आ गए. तो मैं बता दूं कि ये पुराने वाला वीडियो है, अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब उस टाइम बनाया था व्हाट्सएप लिंक वाकई काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के रखा था और अभी अचानक से फिर से ये चीज़ वापस आ चुका है. तो इसलिए मैं पुराने वीडियोज को मैं रीअपलोड कर रहा हूँ ताकि उस चीज़ को आप समझो कि ऐसा मैंने क्यों डाला था और इसमें क्या क्या हो सकता है और आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आपके डाटा के क्या क्या इंपॉर्टेंस है. तो व्हाट्सएप का जो लिंक स्कैम है वो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ तक आप जानते हैं कि डोमेन नेम खरीदना कितना ईजी हो गया है. और ऐसे कई सारे लोग हैं जो गूगल एड्स जो होता है, गूगल एडसेंस का जो एड्स होता है उसके एड्स को भी प्लेस कर लेते हैं और ऊपर से उन्हें इतनी साइलेंटली और इतने अच्छे से उन्हें एलियस शो कर लेते हैं गूगल को. ये बिल्कुल भी एक लेगिट यानी कि बिल्कुल भी एक अच्छी वेबसाइट है, जबकि वेबसाइट पूरी तरह से फ्रॉड होती है. लेकिन अभी ये जो गूगल एडसेंस है वो इस पर अप्रूवल देना बंद कर दिया है और आपको हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, जिस कारण से अभी के टाइम में गूगल एडसेंस इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है. अगर आप गूगल एडसेंस आप किसी भी इस टाइप के जो भी वेबसाइट होंगे इसमें आप नहीं देख पाओगे, जितने भी होंगे अफिलिएट लिंक होंगे फिलहाल के लिए. वो वेबसाइट ऐसी वेबसाइट चल भी रही है क्यों? क्योंकि वो हम लोग के कारण चल रही है. जब हम लोग को पता चल जाता है कि वो वेबसाइट फ्रॉड है फिर भी हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं. लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ. जैसे मुझे पता चलता है कि वेबसाइट वो फ्रॉड है, मैं अपने वेबसाइट पे पहले तो उसका स्कैम रिपोर्ट उस पर डाल देता हूँ अपने वेबसाइट पर. और वेबसाइट पे स्कैम रिपोर्ट डालने के बाद मैं उसका कंप्लेन करता हूँ गूगल एडसेंस को, मैं ईमेल करता हूँ उस वेबसाइट का कि आपका एड ऐसी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है जो वेबसाइट फ्रॉड है, जो फ्रॉड की काम कर रही है. पिछले जितने भी स्कैम रिपोर्ट थे वो सारे मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और साथ साथ में जो साइबर क्राइम का एक पेज है गूगल के, उस पे भी मैं जाकर वो पोस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी. साथ में ऐसे कई सारे और भी है जो स्कैम को स्कैम एडवाइजर जैसे करते हैं, तो स्कैम एडवाइजर में जाकर उस लिंक को सर्च मारता हूँ. उस लिंक को सर्च करने के बाद उसके नीचे उसके स्कैम रिपोर्ट को मैं शो कर देता हूँ कि हाँ ये स्कैम वेबसाइट है, ताकि जो भी दूसरे लोग इस स्कैम को सर्च मार रहे हो उसको या तो मेरे वेबसाइट पे या स्कैम एडवाइजर पे या कहीं भी जाकर उनको बस पता चल जाए कि हाँ ये वेबसाइट स्कैम है और इस पे कोई भी काम करना आपके लिए बुरा हो सकता है. दोस्तों अगर आजकल देखा जाए तो हर 2 दिन में 3 दिन में एक लिंक आ ही जाता है. एग्जाम्पल के लिए मैं ले देता हूँ firstrecharge.com, iPLTshirt.com, MSNMX.com. सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे हैं, जैसे कि आप अगर न्यू ईयर की जो बधाई दे रहे हो दूसरे को अपना नाम देकर, उससे भी आपका इन्फॉर्मेशन ट्रैक होगा. साथ में अगर आप किसी फेस्टिवल का अगर आप नाम देकर कुछ भी कर रहे हो तो उससे भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो. तो ये भी कई सारे इसके और भी टाइप्स है. MSN5.com, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको अभी कुछ इसी मार्च के मंथ में आपको मिल गए होंगे. जितना भी मैंने बताया है वो मार्च के मंथ में ही आपको मिले होंगे, उससे पहले भी मिले होंगे क्योंकि लोगों को पहुंचने में इसका टाइम लगता है. दोस्तों क्या होता है, ऐसे जो वेबसाइट है, ऐसे जो वेबसाइट होल्डर है, वो क्या करते हैं कि एक वेबसाइट बना लेते हैं, एक सिंपल सा पेज बना लेते हैं और उसे अपने गूगल एडसेंस, जो उनका दूसरा वेबसाइट हो उनको गूगल एडसेंस से जोड़ देते हैं. प्लस जो उनका कोई भी डोमेन नेम खरीद लेते हैं, आप जाइए अगर समझ लीजिए अगर कोई अगर आप freecharge.com है, ठीक है, तो freecharge.com को अगर आप न्यू डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं free_freecharge.com ऐसे खोल देते. लोगों को क्या लगेगा कि ये फ्री चार्ज का ही है,
ऐसे कई सारे और भी निकले, जैसे कि अमेजोन गिफ्ट के बारे में, ये अमेजोन में कम दाम में मिल रहा है, और जब आप क्लिक करते थे तो अमेजोन नहीं खुलता था, उसका लिंक कुछ amazon.com नहीं खुलता था, उसका लिंक कुछ ऐसे खुलता होगा amazon-free-offer-, ऐसे करके खुलता होगा। दोस्तों मैं अगर बता दूं कि आपको अगर ऐसी चीजों के लिए तुरंत उसी समय अगर आपको पता लगाना है कि स्कैमर नहीं है, तो इसके लिए साइट पे उपाय, अगर अमेजोन के बारे में किसी ने लिखा होगा कि अमेजोन फ्री में ये दे रहा है, तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि सबसे पहले रहेगा amazon.in/amazon.in रहेगा, उसके बाद स्लैश रहेगा, उसके बाद जो बाकी के लिंक रहेंगे। लेकिन जो फ्रॉड स्कैम लिंक रहता है वो स्टैटिक से अलग रहता है, वो रहता है amazon/free/ ऐसे रहता है। लेकिन जो स्कैम नहीं है जो कि लेगिट होगा, उसमें आपको amazon.in स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद स्लैश देकर बाकी के लिंक होंगे। वैसे ही फ्रीचार्ज का होगा तो freecharge.in होगा, उसके बाद स्लैश देकर बाकी का लिंक होंगे। तो ऐसे पे ही आप भरोसा कीजिएगा, ऐसे फालतू चीज पे भरोसा मत कीजिएगा। और दूसरी बातों पे आते हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कई सारे वेबसाइट है, कई सारे के सारे के सारे जितने भी आपको रिचार्ज करने के आपको ऑफर देते हैं, वो सबसे पहले आपका नाम और आपका फोन नंबर मांगते हैं, और उसे कई लोगों में ऐड सेंड करने के लिए बोलते हैं। तो जो आप अपना नाम और अपना फोन नंबर उसमें देते हैं और कई लोगों को सेंड करते हैं, तो आप लोग सेंड करने के थ्रू कई लोग आपके थ्रू वहां पर जाते हैं और वो भी अपना नाम और फोन नंबर वहां पर डाल देते हैं। तो आपको पता है, हो सकता है बाई चांस के 99% चांसेस होते हैं और ऐसे किए भी जाते हैं कि वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम और नंबर जो है, वो किसी और से किसी फ्रॉड कंपनी को सेल कर देते हैं। वो आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छे दाम में किसी फ्रॉड कंपनी को सेल कर देते हैं, और वो सेल करने के बाद उनको एड से तो प्रॉफिट होता ही है, और साथ साथ में वो सेलिंग से भी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन उस सेलिंग से आपको भुगतना पड़ता है, कभी कभी आपके हाथ से लाखों रुपए चले भी जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी, या आपके किसी फ्रेंड ने किया होगा, आपको ये जरूर आपने सुना होगा अपने कानों से, और आपने एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा शायद, कि आपको एक अननोन नंबर से कॉल आता होगा और आपको बोलते होंगे कि आपका नाम ये है और आपका नंबर ये है, आपको एक नंबर का जो ये आपके नंबर ने जीता है इतने रुपए, ये रुपए आपको पाने के लिए आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे आपने किया होगा, तो ऐसे क्या होता है, ऐसी जो कंपनियां होती है वो इन लोगों को सेल कर देती है आपकी इन्फॉर्मेशन, और ऐसे लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को गलत तरह से यूज करते हैं। तो इसके कई सारे यूज हो सकते हैं और भी बहुत सारे गलत यूज हो सकते हैं, जो कि मैं एक जानता हूँ, जो ये है कि आपको अननोन नंबर से कॉल आते हैं, आपको बताते हैं कि आप इतना जीत चुके हैं, इस अमाउंट को पाने के लिए आपको इतना अमाउंट और पे करना होता है, और जो आप अमाउंट पे कर देंगे तो वो बोलेगा कि इतना अमाउंट तो पे हो चुका है और इतना अमाउंट और पे करने के लिए, तभी जाके बाकी के पैसे वापस आ पाएंगे, जबकि वो पैसा कभी वापस आता नहीं, और आपके जो पैसे आपने दिए हैं वो भी पैसा चलते ही चला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि ऐसे वेबसाइट से दूर रहें। 100 रुपया का रिचार्ज पाने के चक्कर में आप बहुत रुपए खो देते हैं, आप अपना इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन खो देते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज खो सकते हैं अपना, सिर्फ 100 रुपए या कुछ रुपए के रिचार्ज के चक्कर में। तो दोस्तों ऐसे वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े, और मेरी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, मैंने अपने वेबसाइट पे यहाँ पे आप लिस्ट आउट देख सकते हैं, मैंने कई सारे ऐसे वेबसाइट के बारे में डाला है। जैसे मेरे नॉलेज में कोई भी वेबसाइट का आता है, जैसे किसी भी लिंक के बारे में मुझे पता चलता है, फ्रॉड लिंक के बारे में, तो मैं उसका स्कैम रिपोर्ट यहाँ पे रेडी करके डाल देता हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, खास करके इस स्कैम रिपोर्ट वाले को। तो स्कैम रिपोर्ट में आप यहाँ पे नीचे लिंक में जाके क्लिक करके आप सीधा जितने भी मैंने वेबसाइट का, जितने भी ऐसे फ्रॉड लिंक का मैंने स्कैम रिपोर्ट रेडी किया है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। उसमें सब कुछ आपको बता दिया गया है कि स्कैम क्यों है, आपको इससे क्यों दूर रहना चाहिए, पूरे प्रूफ के साथ सब कुछ बता दिया गया है। दोस्तों मैं ऐसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे किसी वीडियो को शेयर करें ना करें, किसी भी चीज को शेयर करें ना करें, पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर लोगों को बचा सकता है, लोगों को अवेयर कर सकता है, और लोगों को आप बचाएं इससे अच्छा चीज कुछ नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम तो और आगे बढ़ेंगे, और मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छी अच्छी चीजें और आपकी जानकारी के लिए अच्छी अच्छी चीजें मैं लाता रहूंगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में आप जो वेबसाइट पे जाएंगे उस वेबसाइट के पेज को भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोगों को और आपके फ्रेंड के फ्रेंड लोगों को और आपके सगे संबंधियों को भी फायदा पहुंचेगा, और वो अपना इन्फॉर्मेशन दूसरों को देने के चक्कर में और खुद का कुछ लॉस करने से बचेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। हेलो दोस्तों।